हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्वींस बेबीज मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्वींस प्रेगनेंसी के 4 मंथ के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के बारे में। तो 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद में जो बेबी का वेट होता है वो लगभग 150 ग्राम के आसपास हो जाता है। बेबी की जो लंबाई होती है वो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। और जो बेबी का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो तो 3 मंथ के लास्ट में ही डेवलप हो जाता है। एंड इस महीने से और ज्यादा क्लियर समझ में आने लगता है, मतलब बेबी बॉय है या फिर गर्ल है, बिल्कुल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद में जो बेबी की जो कान होते हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद में जो बेबी की आंखें होती हैं वो भी जो है थोड़ा सा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। बट इस मंथ में बेबी की आंखें पूरी तरह नहीं खुलती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर ही चलना स्टार्ट कर देती हैं। एंड कान डेवलप होने की वजह से बेबी जो है बाहर की आवाज को सुनना भी स्टार्ट कर देता है। और 4 मंथ के लास्ट तक बेबी की जो गर्दन है वो थोड़ा सा उठना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेबी की जो पीछे बैक की जो मसल्स वगैरह होती है वो सारी जो है स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। और 3 मंथ के अगर लास्ट के अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे तो बेबी एलियन जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन 4 मंथ कंप्लीट होने तक बेबी जो है बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। और बेबी की जो है पूरे शरीर पे जो है बालों की परत भी आना स्टार्ट हो जाती है। एंड बेबी की जो भौंहें वगैरह होती है वहां पर भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बेबी की जो भ्रूण अवस्था में जो पूंछ रहती है वो भी इस मंथ में खत्म हो जाती है। बेबी की जो स्किन होती है उस पर एक फैट की परत आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में बैनिक कैसियोसा कहते हैं। ये जो फैट की परत होती है वो बेबी को जो बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में काफी लंबे समय तक रहने वाला है उससे बेबी को जो है बचाती है। और बेबी की जो स्किन का कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा, मतलब बेबी के जो अंदर के पार्ट होते हैं वो अभी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने वाले हैं। 4 मंथ के लास्ट तक बेबी का जो सर होगा वो बेबी के शरीर के हिसाब से ग्रो करना बिल्कुल स्टार्ट कर देता है। हम बात करते हैं कि आपके अंदर इस मंथ से कौन से बदलाव आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस मंथ से आपके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट की। तो जो पेट जो है शुरू के 3 महीने तक जो बच्चादानी होती वो पेल्विक बोन के अंदर रहती है, तो वो इस मंथ से जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो पेट होगा वो हल्का सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि जो कुछ काफी पतली महिलाएं होती हैं तो उनका पेट अभी भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वो लेटती हैं तभी ज्यादा महसूस होगा, खड़े होने के बाद बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा फैटी महिलाएं होती हैं जिनका ऑलरेडी पेट पे फैट रहता है तो उनका इस महीने से पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में सिंगल के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पेट निकलता है। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हर किसी महिला का पेट बहुत ज्यादा दिखाई पड़े। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो आपको 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक काफी ज्यादा वोमैटिंग या फिर महक लगना जो ये समस्या रही है वो आपको इस 4 मंथ के लास्ट तक आपको खत्म हो जाएगी। और आपको इस मंथ से कब्ज की शिकायत हो सकती है, जो कि ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपको थोड़ा कब्ज की समस्या कम हो। एंड उसके बाद में आप जो है थोड़ा सा बाहर की चीजें कम खाएं, हेल्दी खाने की कोशिश करें, तो इससे आपको थोड़ा सा कब्ज की समस्या में राहत मिलेगी। एंड उसके बाद में आपको 4th मंथ से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, मतलब दर्द बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का हल्का रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेबी का जो वेट होगा, बेबी का जो ग्रोथ होगी वो आपके अब सारे पेट में उसका प्रेशर पड़ने वाला है, जिस वजह से आपको हल्का फुल्का दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और एक यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी कि आपको अपने 4th महीने में यूरिन इन्फेक्शन का एक बार चेकअप जरूर कराना है, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात होती है और बहुत जल्दी होता है। तो उस वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और इस मंथ से आपको जो है थकान थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको भूख लगना भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो है अनहेल्दी चीजें कम खाएं, हेल्दी चीजें ज्यादा खाएं, आपको बार बार भूख लगेगी। और इकट्ठा खाने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं हर 2-2 घंटे बाद में, ताकि आपको भी पूरा पोषक तत्व मिले एंड आपके बेबी को भी पोषक तत्व मिले। और आपको इस मंथ से थोड़ा ध्यान रखना है कि आप ज्यादातर खड़े होकर काम ना करें, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, तो आप इस बात जरूर ध्यान रखें। एंड आप जब भी काम करें तो थोड़ा थोड़ा काम करें, उसके बाद में आप थोड़ा रिलैक्स करें। और जब आप लेटने चाहें या सोने चाहें तो आप अपने पैरों के नीचे प्लो जरूर रखें और पैरों को सीधा रखें, आपकी सूजन में जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। और इस मंथ से आपके पैरों में बहुत ज्यादा ऐठन हो सकती है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसका रीजन होता है क्योंकि बेबी जो है इस मंथ से तेजी से ग्रो करना चालू करेगा, और 2-2 बेबी होते हैं
तो जिस वजह से उन्हें कैल्शियम आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत तेजी से बेबी की ओर जाता है। तो उस वजह से हमारे शरीर में काफी ज्यादा पोषक तत्वों की, कैल्शियम की, आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ऐठन हो सकती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप अपनी कैल्शियम की और आयरन की टेबलेट प्रॉपर चालू कर दें, एंड आप दूध लेना प्रॉपर चालू करें, पानी पीना बहुत ज्यादा से ज्यादा चालू कर दें, और हेल्दी डाइट लेना चालू करें जिसमें आप हरी सब्जियां ज्यादा लें एंड दालें बहुत ज्यादा लें, दही लें, सलाद लें, मट्ठा, ये सारी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, एंड आप जूस पीना स्टार्ट करें, और आप जो है नारियल पानी का भी सेवन कर सकती हैं, एंड आप गन्ने का जूस है या फिर आप कोई भी जूस बिल्कुल पी सकती हैं, एंड उसके बाद में आप जो है फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, एंड हर तरह के फल लेने की कोशिश करें ताकि आपको और आपके बेबी को अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सके और आपकी बॉडी में इसकी कमी ना हो। एंड अगर आप ये सारी चीजें नहीं लेती हैं तो आपको इस मंथ से चक्कर आने की बिल्कुल संभावना रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से हमको अचानक से चक्कर आ सकती है। तो आप अपनी खिलाई पिलाई का इस मंथ से बहुत ही ज्यादा स्पेशली ध्यान रखें, और आप थोड़ा सा जंक फूड से दूर रहने की ही कोशिश करें, क्योंकि इससे ना आपको कोई बेनिफिट होने वाला है ना ही आपके बेबी को। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप जंक फूड का ज्यादा सेवन करती है तो आपका ओवरवेट गेन होने की संभावना है, तो आप अपने ओवरवेट गेन होने से बचें, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में भी ओवरवेट नहीं चाहिए होता है, 10 से 12 किलो ही वेट आसपास ही वेट आपको बढ़ाना है, इससे ज्यादा आप बढ़ाने की कोशिश ना करें ताकि आने वाले टाइम पे डिलीवरी में दिक्कत ना हो। अब इस मंथ से आपको अपने पुराने कपड़े बिल्कुल उठा के रख देने चाहिए, और आप अपने टाइट कपड़े पहनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इससे आपका जो है बेबी बम्प दबेगा, अगर बेबी बम्प दबेगा तो बच्चे को भी काफी दिक्कत होगी। तो आप अपने पेट पर कोई भी ऐसा टाइट कपड़ा ना पहने जिससे पेट पर दबाव पड़े या प्रेशर पड़े, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और आप इस महीने से जो है अपनी जो नींद है वो अच्छी प्रॉपर 7 से 8 घंटे जरूर लें, एंड आप दिन में भी 2 घंटे आराम जरूर करें, आपको अपनी नींद को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है ताकि आप भी रिलैक्स रहें और बेबी को भी अच्छा फील। और आपको इस मंथ से कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको इस मंथ से हाई हील्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहननी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो है वजन वगैरह बिल्कुल भी गलती से नहीं उठाना है इस मंथ। आप ये ना सोचे कि थोड़ा सा है तो मैं उठा लेती हूँ, मैं बता दूं अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगर आप ऐसी हरकतें करती हैं तो आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि आप अगर उठाएंगी तो नसों पे प्रेशर पड़ेगा जिस वजह से बच्चे नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप कोशिश करें वजन को बिल्कुल इग्नोर करें, पूरे 9 मंथ तक ना उठाएं, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपकी जो प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे दिन पड़ी रहें एंड आलस में बनी रहें। मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, इसको आप एंजॉय करें ना कि इसको एक बीमारी की तरह लें। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस मैं लेटी रहूंगी। हाँ, अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर आपको डॉक्टर ने स्पेशली बेड रेस्ट लेने के लिए बोला है, तो आप जरूर लें, एंड डॉक्टर ने आपको जो काम करने के लिए मना किया आप वो बिल्कुल ना करें, एंड जो नहीं मना किया आप वो सारे काम करें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका बेबी एक्टिव रहेगा। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजिली हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगर आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं और आप सारे काम कर सकती हैं तो बिल्कुल करिए। और सबसे बड़ी चीज, बहुत तेजी से चलना फिरना नहीं है, जब भी चले आराम से चले और ज्यादा से ज्यादा टहलती रहे एंड एंजॉय करती रहे, बिल्कुल भी आप जो है लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगी, आप पूरे दिन पड़ी रहेंगी तो बच्चा भी बिल्कुल अनएक्टिव होगा। और दूसरी बात, अगर आप टहलती रहती हैं, आप चलती फिरती रहती हैं, तो इससे आपको काफी अच्छा फील होगा, एंड अगर आप लेटी रहेंगी तो आपकी सारी नसें जाम हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और इस मंथ से आपके घुटनों में भी पेन हो सकता है जो कि बहुत नॉर्मल होता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और आप जो है जब भी नाइट में लेटने चाहें तो अपने पैरों में तेल की मालिश जरूर करें, इससे आपको काफी रेस्पॉन्स मिलेगा। और कोई दर्द का ट्यूब हो, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप उसको जरूर लगा सकती हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इस मंथ से पानी जरूर ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसका स्पेशली ध्यान आपको रखना है। आप चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा कम कर दें, अगर आप बहुत ज्यादा पीने की शौकीन हैं तो आप मिनिमम से मैक्सिमम 2 कप ही चाय लें, एक सुबह एंड एक शाम को, इससे ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन ना करें, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अगर आप जो है मुलेटी का सेवन करती हैं तो आप इससे भी दूर रहें, ये बच्चे के लिए हानिकारक होता है। और इस मंथ से जो है आपको थोड़ी बहुत सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है।
और आप इस मंथ से हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती है। कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने की गलती ना करें और आप जो भी एक्सरसाइज करें वो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके या किसी एक्सपर्ट की सलाह में ही करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और आपको इस मंथ में बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है तो आप बिल्कुल जाएं और यूरिन की वजह से पानी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आपके लिए कुछ खास एडवाइस थी जो आपको पूरे 4 मंथ तक ध्यान रखना है और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।